हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है कुंडली में पितृ दोष पितर पे लेके। तो इस वीडियो में बात करेंगे पितृ दोष कैसे बनता है, उसे हमें कैसे देखना चाहिए, लक्षण क्या है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, और अगले वीडियो में बात करेंगे फिर उसके उपाय की। तो पितृ दोष, शास्त्र हमारे कहते हैं कि कुंडली में जो आपका लग्न है, द्वितीय भाव है पंचम, सप्तम, नवम, दशम, इन भावों पे जब भी सूर्य के साथ राहु आ जाए, सूर्य के साथ केतु आ जाए, सूर्य के साथ शनि आ जाए, या सूर्य नीच के हो जाए, लगन में अकेला राहु हो, इन भावों पे अकेला राहु हो, तब आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। शास्त्रकार ये भी कहते हैं नवम भाव और नवम भाव के मालिक, या चंद्रमा से नवम भाव, तीन पॉइंट पकड़िएगा, नवम भाव, नौवें भाव का मालिक, या चंद्रमा से नौवा भाव, राहु केतु के प्रभाव में आ जाए, माने वो राहु से अधिष्ठित हो जाए, राहु के साथ बैठ जाए, राहु की दृष्टि में आ जाए, तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। क्यों? लग्न आप हैं, व्यक्तित्व हैं, तो आप कहाँ से आए हैं? अपने कुल परंपरा से, पूर्वजों से आए हैं। और ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पे द्वितीय भाव जो है वो आपके निजत्व का है। द्वितीय भाव किसका है? आपके निजत्व का है। और साथ में पंचम भाव संतान का है, सप्तम भाव जीवन साथी का है, नवम भाव पितर का है, पिता का है। दसवें भाव को जो कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि दसवां भाव पिता का है इसलिए कनेक्ट किया जाता है, लेकिन 2, 5, 7, 9 ये ज़्यादा प्रभावी हैं। लेकिन शास्त्रकार दो बिंदु और जोड़ देते हैं, लग्न को और दशम को भी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लगभग आपके बीच में 60-70% कुंडलियां ऐसी आएंगी जिनके ऊपर यह पितृदोष का निर्माण होता है। तो क्या करें? क्या सभी लोग पितृदोष वाले मान लिए जाएं? अब आवश्यक यही बातें होती है कि हम माने कैसे कि हमारे कुंडली में पितर दोष है या नहीं है, उसका उपाय करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, जो नियमावली कहती है, इस नियमावली से 60-70% कुंडलियां पितृदोष में कनेक्ट होंगी। आप करके देख लीजिए, ठीक है ना? आप 10 में से 7 कुंडली, 6 कुंडली ऐसी पाएंगे जिसमें पितृदोष इन नियमावली के तहत होगा। नवम भाव, नवम भाव का मालिक चंद्रमा से नवम भाव, राहु केतु के प्रभाव में हो, या लग्न में अकेला राहु हो, द्वितीय में अकेला राहु हो, पंचम में अकेला राहु हो, सप्तम नवम में अकेला राहु हो, तब यहाँ पे आपकी कुंडली पितृदोष से श्रापित मानी जाएगी, पितृदोष युक्त मानी जाएगी। सूर्य राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, या नीच का हो, इतने बिंदु ले लेंगे तब आपके कुंडली में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पितृदोष का निर्माण हो जाएगा। तो इसको हम कैसे जाने, इस पॉइंट पे मैं आपको क्लियर से बताऊंगा किन की कुंडलियों में यह दोष बनेगा ही बनेगा, और कौन से वो लोग हैं जो इस दोष से मुक्त हैं। सिर्फ कहने के लिए दोष है। तो शास्त्रकार ये कहते हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा मिला है कि 1, 5, 7, 9 और 10 में बुध, गुरु, राहु, शुक्र और शनि का बुरा प्रभाव हो, तब भी आपको पितृदोष आपकी कुंडली में लगता है। शास्त्रकार कहीं कहीं ये भी लिखते हैं कि आपका गुरु अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठा हो, तब भी आपके ऊपर पितृदोष का निर्माण होता है। तो इसकी फाइनल बात हम आपको अंत में बताएंगे, लक्षण क्या है किसी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष है, उसको आप कुंडली के अलावा उस व्यक्ति के देख के कैसे जान सकते हैं कि इसके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, पितर इसके रुष्ट है। तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि आपके घर में जो माहौल है वो सुख और शांति का नहीं होगा। संपदा हो सकती है लेकिन शांति नहीं होगी। घर में बढ़िया सा बेड होगा, एसी लगा होगा, सोफा सेट होगा, लेकिन सोफे पर बैठ के प्रेम से बातें नहीं होंगी। उस बेडरूम में जो एसी लगा है उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी, उसमें शांति का अनुभव नहीं होगा। यह लक्षण है पितृदोष का। घर के जो बड़े लोग होते हैं उनके जो निर्णय होते हैं अक्सर वो गलत होते हैं, और इस वजह से आर्थिक हानि होने लगती है, धन का नाश होने लगता है। अगर इस तरह से हो रहा है तो भी आप जान जाइए कि आपके घर में पितृदोष या आ चुका है या पितृदोष का निर्माण हो चुका है। बाहर के लोग, रिश्तेदार बेवजह घर में दखलंदाजी करते हैं, बेवजह परेशानी, घर में टुन फुन हुई, चार लोग बेवजह नेतागिरी करने आ गए, बीच बचाव करने आ गए, आपने बुलाया नहीं लेकिन बेवजह उनको पता चलता है, वो सूंघते हुए आ जाते हैं। तो
सूंघते हुए वर्ड वैसे खराब लगेगा लेकिन आ जाते हैं। तो इस तरह का जो अगर कार्य हो रहा है तो आप जान लीजिए कि आपकी कुंडली में पित्त दोष का निर्माण हो चुका है और वो एनर्जी जो है उनको कनेक्ट कर रही है, इसलिए वो सूंघते हुए आ जाते हैं और बेवजह दखलंदाजी करते हैं, दोनों पार्टी के साथ बैठते हैं, चाय पानी करते हैं और इसकी बुराई उसके साथ, उसकी बुराई उसके साथ करते हैं। तो यह एक प्रमुख लक्षण है। आपका घर आपने पूरा सजा रखा है, सारी डेकोरेशन की सामग्रियां हैं, लेकिन एक सूनापन है, एक अजीब सा सूनापन है, उस घर में खुशी का माहौल नहीं है, रौनक नहीं है, तो आप जान लीजिए कि आपके घर में वास्तु ये पितृदोष का निर्माण हो चुका है। ठीक है, पितृदोष का मतलब सिर्फ पितर ही रुष्ट है ऐसा नहीं है, पितृदोष का मतलब आपके कुंडली में ग्रहों की जो कनेक्टिविटी है वो गलत जगह बैठ गई है। अब आपकी जो वायरिंग है अगर वो सही लगी हुई है तो आपके घर के ट्यूब जलेंगे, वायरिंग अगर गलत हो जाए तो फिर आपका क्या होगा, ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, जो फैन चल रहे हैं फैन जल जाएंगे। बस इसको ऐसे ही कनेक्ट करिएगा, तो पितरों से कनेक्ट करिएगा और अपने ग्रहों से कनेक्ट करिएगा। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि घर में कोई भी पंछी नहीं रहते, माने अगर आप घर में देखें तो कोई चिड़िया नहीं आएगी, आपके तोता नहीं आएंगे, मयूर नहीं आएंगे, लेकिन घर में आपके बेवजह ठीक है ना कबूतर आके कहीं ना कहीं घोंसला बना के रखेंगे, सिर्फ कबूतर ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। अगर ऐसा भी होता है तब आप जान लीजिए कि आपके कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो चुका है या पितृदोष का निर्माण हो रहा है। परिवार निरंतर लघु होता जाता है, आप अपने पिता, आपके पिता चार भाई रहे होंगे, उनके चार चार संतानें, लेकिन आपकी पीढ़ी में आते आते एक दो पे सिमट गए हैं, तो यह भी एक लक्षण होता है कि पितृदोष का निर्माण। वैसे वर्तमान में अगर आप इसको देखें तो जो विभीषिका है जनसंख्या की, उसकी वजह से लोग कंट्रोल कर लिए हैं, तो आप ऐसा भी महसूस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप संतान पैदा करना चाह रहे हैं, संतान नहीं हो रही, तब यह स्थितियाँ आपके ऊपर लागू होंगी। विवाह में विलंब होगा, घर में बच्चे बड़े हैं, विवाह के योग्य है, लेकिन रिश्ता ठीक से नहीं मिल रहा है, रिश्ते हो नहीं रहे हैं, तब आप जान लीजिए कि यह योग आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। विवाह हो गया, विवाह के बाद संतान नहीं हो रही है, हो रही है माने संतान गर्भ में आ रही है, तो 40 से 45 दिन में गर्भ से निकल जा रही है, गर्भस्राव हो जा रहा है, तब यह लक्षण है पितृदोष का। आप जान जाइए कि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण जो हुआ है वो फलीभूत होना शुरू हुआ, एक्टिव हो चुका है, वो आपको फल देना शुरू कर देगा। घर में आप पेड़ पौधे लगाते हैं, अचानक पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तुलसी सूख जाती है, और कोई पेड़ लगाते हैं सूख जाते हैं, तब मान लीजिए कि एक्टिव हो चुका है पितृदोष आपकी कुंडली में। घर से रोग जो है जाते नहीं, खासकर जो घर का लीडर है, घर का प्रमुख व्यक्ति है, मुखिया है, उसको कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है, तो ऐसी स्थिति बन रही है तो आप जान जाइए कि आपका कुंडली में जो या पितृदोष है एक्टिव हो चुका है और इसकी शांति करने की आवश्यकता आ पड़ी है। रिश्तेदार सदैव, रिश्तेदार और पड़ोसी सदैव अगर नकारात्मक भूमिका में ही है, सकारात्मक भूमिका में नहीं है, सहयोग की जगह विरोध करते हैं, तब भी आप जान जाइए कि आपके अंदर ये लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो चुका है। प्रेम, ऐसे लोगों के घर में प्रेम सब लोग कर लेते हैं लेकिन प्रेम को विवाह की परिणति तक नहीं पहुंचाते, तो प्रेम होगा लेकिन विवाह नहीं होगा, या विवाह होते होते टूट जाता है, अंगूठी अंगूठी का रस्म पूरी कर लेते हैं लेकिन बाद में वो जो है मंडप तक नहीं जा पाती, जयमाल तक नहीं जा पाती, ऐसी स्थितियां अगर हो रही हैं तो ये लक्षण है कि आपके घर में पितृदोष का निर्माण जो कुंडली में हुआ है वो एक्टिव हो चुका है। घर बढ़ने नहीं देता, घर में पिता पुत्र है तो आपस में एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे तो तुरंत छोटी छोटी बात पे तू-तू में हो जाएगी, माँ बेटी बहू ये तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, अगर ये साथ में बैठेंगे तो फिर ये इसका मतलब ये एक्टिव हो चुका है, साथ में बैठेंगे तू-तू में हो जाएगी, अगर ये साथ बैठे हैं प्रेम से तो इसका मतलब एक्टिव नहीं हुआ, तू-तू में अगर होना शुरू हो जाए तो एक्टिव हो जाए, हस्बैंड वाइफ के साथ अगर साथ में बैठते ही झगड़ा होना शुरू हो जाए इसका मतलब ये एक्टिव हो चुका है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस से आपका घर आने का मन ना करे, मन ही ना करे, तब भी आप जान जाइएगा कि यह पितृदोष आपकी कुंडली में एक्टिव हो चुका है। ये लक्षण है, क्या है लक्षण है कि आपकी कुंडली में पितृदोष एक्टिव हो चुका है। कुछ और पहचान कहिए तो मैं आपको बता दूं, शास्त्रकार हमारे कहते हैं, शास्त्रकार वर्तमान शास्त्रकार कहते हैं, ठीक है ना, शास्त्रकार का तात्पर्य हम वेदव्यास से, भृगु से, इन सब से नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में पहचान है कि अगर पेट के रोग आपको बार बार हो रहे हैं, दिमागी रोग आपको हो रहा है, एक पागलपन सा आ रहा है, भूत प्रेत आपको दिखाई दे रहे हैं या एहसास हो रहे हैं, आपके
शरीर में ऐसा लगता है कि चींटियां चल रही हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, बिना कारण आपको ना आपके घर में कोई व्यक्ति झूमने लगता है, नाचने लगता है, नशे की आदत धीरे धीरे डेवलप हो रही है, बढ़ रही है, अनैतिकता की ओर आप बढ़ रहे हैं, शराब और शबाब दोनों की ओर आपका झुकाव ज़्यादा हो रहा है, टीवी और मोबाइल 24 आवर आपके हाथ में है, भूत प्रेत वाली जो फिल्में हैं वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, या नेट पे आप इनसे रिलेटेड चीज़ें सर्च करना देखना आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नेट आप फेसबुक पे बैठ के नेट पे बैठ के बेवजह फ्रेंडशिप करना और उनसे चैटिंग करना आपको अच्छा लगने लगा है, या उसमें समय आपको आप ज़्यादा दे रहे हैं, कृत्रिम साधनों से खुद को सुंदर बनाने की आपकी कोशिश हो रही है, आप जयसूर्या हैं लेकिन लगता है कि आपको ऐश्वर्या होना चाहिए, तो फिर या बार बार आप ब्यूटी पार्लर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी और संसाधन है उसको आप चेहरे पर लपेट रहे हैं और आपको लगता है आप बेहतर सुंदर दिखो, तो ये पहचान है कि आपके अंदर इस यह दोष एक्टिव होना शुरू हो गया है, आप अपने शौर्य का नाश कर रहे हैं। और कुछ लोग आजकल देखिए ना तो अपने हाथ के नशे काट लेते हैं, या गुदना ज़्यादा गुदाते हैं, नाम लिखवाते हैं, कहीं पे कोई टैटू बनवाते हैं, ये सब इसी चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है कि आपके अंदर ये चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं, नींद नहीं आ रही है। वैसे नींद ना आने के पीछे चंद्रमा भी आपकी कुंडली में कारण है, जब भी चंद्रमा आपके 6, 8, 12 में चले जाएंगे या पाप प्रभाव में आ जाएंगे या चतुर्थ से खष्टम हो जाएंगे तब भी आपको नींद संबंधी परेशानी आएगी, लेकिन यह भी एक प्रमुख कारण है यहाँ पे कि आपको नींद नहीं आएगी, शरीर पर एक लगना दबाव से लगना, आप सो रहे हैं तो लग रहा है कोई हल्का सा आपको एहसास हो रहा है, कोई एनर्जी है या चींटी चल रही है आसपास कुछ हल्का सा लग रहा है, तब भी यह लक्षण बनता है कि आपके ऊपर ये योग एक्टिव हो चुका है। गाली गलौज की आदत पड़ जाना, बेवजह गाली देना और बात बात पे गाली का निकल जाना भी इस योग के एक्टिव होने को बताता है। शर्त लगाना, बेवजह शर्त लगाना, रोड पे आप जा रहे हैं तो आपको लगता है कि पीछे वाला जो हमसे बढ़ना नहीं चाहिए, अगर पीछे वाले ने स्पीड 60 से 80 की तो आप 85-90 कर दोगे, तो सबको पीछे छोड़ दें, रोड पे सबको पीछे छोड़ देने की चाहत भी आप ये पहचान है कि आपकी कुंडली में जो पितृ दोष है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। तो पितृ दोष कैसे बनता है उसकी चर्चा हमने की, फिर एक बार आपको दोहरा देता हूँ। लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम में जब भी यहाँ पे सूर्य राहु आ जाए, सूर्य के साथ केतु आ जाए, सूर्य के साथ शनि आ जाए, या सूर्य नीच का बैठ जाए, या यहाँ पे अकेला राहु बैठ जाए, तब आपकी कुंडली में पितृ दोष का निर्माण होता है। कुंडली में ग्रहों के अनुसार और कुंडली के अनुसार, पितरों से कनेक्टिविटी अलग चीज़ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और लेकिन आप देखेंगे तो 2, 5, 7, 9 में यह योग ज़्यादा एक्टिव होता है, 2, 5, 7, 9 में यह योग ज़्यादा एक्टिव होता है, जब सूर्य के साथ राहु हो तो ज़्यादा एक्टिव होता है, सूर्य के साथ यहाँ पे शनि आ जाए या नीच का सूर्य उच्च का शनि आ जाए तो ज़्यादा एक्टिव होता है, और योग भी प्रभावी होते हैं। अब इनके उपाय भी बहुत आवश्यक है। हाँ, मैंने आपसे एक चीज़ कहा था कि यह योग क्या सभी कुंडली में एक्टिव होगा, यह जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि लगभग 60 से 70% कुंडली में यह योग बनता है। इस योग को एक्टिव है कि नहीं, यह योग हमें नकारात्मक असर देगा कि नहीं, इसकी जानकारी हम ऐसे जान सकते हैं। देखिए नक्षत्रों की बात, अभी हमें नक्षत्र सीरीज चला रखे हैं, तो नक्षत्रों की बात जब आप करिए तो उसमें जो आपका 10वां नक्षत्र आता है मघा, सबसे तेजस्वी नक्षत्र है। जन्म लियो जब आला ने धरती धसी अढ़ाई हाथ, इतना तेजस्वी है, शास्त्र का ऐसे किंवदंती कहते हैं, धरती नहीं धसेगी अढ़ाई हाथ, तो धरती के दसवें के तात्पर मंगल का तेज। अब इसके नक्षत्र के स्वामी कौन है, नक्षत्र के देवता कौन है, पितर, नक्षत्र के देवता पितर है। अब जब यह नक्षत्र बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा, या नवम भाव पे इस नक्षत्र का गोचर है, सप्तम भाव में यह मघा नक्षत्र चल रहा है, पंचम भाव में मघा नक्षत्र चल रहा है, पंचम भाव द्वितीय भाव में मघा नक्षत्र है, वहां पे सूर्य राहु या राहु का प्रभाव आ गया, तब यह कुंडली में आपके 100% एक्टिव होगा या 100% फल देगा। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, शेष 70% जो दिखता है वो दिखता है होता नहीं, जैसे मेघ दिखते हैं लेकिन मेघ सारे
वर्षा करें जरूरी नहीं है। मेघ का मतलब वर्षा ही होता है, मेघ दिख गया आसमान में तो बारिश होनी चाहिए, लेकिन सभी मेघ बरसते नहीं, कुछ ही मेघ बरसते हैं। उसी तरह इस कुंडली, आपकी कुंडली में जब मघा नक्षत्र बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा, या मघा नक्षत्र द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में, नवम में होगा, वहां पे सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि या नीच का सूर्य नहीं आएगा, सूर्य नीच का वहां पे आएगा ही नहीं। तो सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि की उपस्थिति यहाँ पे होती है, तब यह कुंडली में आपके निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव देगा। और शास्त्रकार हमारे जो कहते हैं, फिर घर में आपके जो वातावरण होगा वो कलुषित हो जाएगा, वंश परंपरा की वृद्धि नहीं होगी, धन की हानि हो जाएगी, मान सम्मान आपका निरंतर गिरता रहेगा, घर का मुखिया निरंतर रोगग्रस्त होता जाएगा और घर में सूनापन आ जाएगा, लक्ष्मी धीरे से घर से विदा हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी। तो ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ग्रह के साथ साथ नक्षत्र ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, और ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। फिर चर्चा करेंगे किसी नवीन, इसी पे अगले नवीन पॉइंट पे, कि इसका उपाय क्या है, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं। तब तक आपके लिए हमारी तरफ से राधे।